हेलो फ्रेंड्स, रतलामी चायके में आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, हम न्यू ईयर पर केक हमेशा मार्केट से लेकर आते हैं, तो क्यों ना हम मार्केट जैसा सॉफ्ट, स्पंजी और कम बजट में केक घर पर ही बना ले। देखिए कितना जालीदार बना है और इससे आप समझ गए होंगे कि केक कितना सॉफ्ट बना है। अगर आपने ये केक घर पर बनाकर खा लिया तो आप मार्केट का केक खाना भूल जाएंगे। मैं कढ़ाई में केक बनाऊंगी, तो कढ़ाई को हम प्रीहीट होने के लिए रखेंगे। तो ये मैंने एक बड़ा कटोरा लिया है, आप इसकी जगह रिंग भी रख सकते हैं। कुछ लोग केक बेक करने के लिए नमक का यूज़ करते हैं, लेकिन मैं नमक का यूज़ नहीं कर रही हूँ। इसे हम ढक देंगे और 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। ये मैंने गोल शेप में केक पॉट लिया है, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और इसमें अब हम बटर पेपर लगाएंगे, इससे क्या होगा कि केक नीचे से जलेगा नहीं और आसानी से निकल जाएगा। अब हम बाउल में 1/4 कप वेजिटेबल ऑयल लेंगे, 1/4 कप दही लेंगे, इसमें 1/2 कप दूध डालेंगे और तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें कोई भी एसेंस अभी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ये मैं पाइनएप्पल फ्लेवर में बना रही हूँ। अगर आप नॉर्मल केक बना रहे हैं तो आप इसमें 1 चम्मच वनीला एसेंस डाल सकते हैं। ये देखिए, तीनों को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम 1 कप मैदा लेंगे, 1/2 कप पीसी हुई शक्कर डालेंगे, इसमें 4 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है केक का। और अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। तो ये मैंने 4 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा मतलब मीठा सोडा डालेंगे और इन सभी को अच्छी तरह से हम छान लेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सभी चीज़ मेजरिंग कप और स्पून से लें। अगर आप 1/2 चम्मच से लेंगे तो आपका मेजरमेंट गड़बड़ा जाएगा और केक अच्छा नहीं बनेगा। इसमें हम जो हमने ऑयल, दही और दूध को मिक्स किया था वो डाल देंगे। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे और इसे आपको एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। तो इस तरीके से हम कट देते हुए इसे मिक्स करेंगे। इसमें मुझे थोड़ा सा दूध और कम लग रहा है तो हम और डाल देंगे, मतलब टोटल मैंने इसमें 3/4 कप दूध यूज़ किया है। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसे हम तुरंत केक पॉट में डाल देंगे, आपको इसे ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। जैसे ही अच्छी तरह से बैटर मिक्स हो जाए आप तुरंत इसे केक पॉट में डाल दें। केक को 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बेक होने के लिए रख देंगे और आपको इसे बिल्कुल भी बीच में खोलना नहीं है। अगर आप बीच में इसे खोलकर देखेंगे तो जो केक का स्पंज है वो बैठ जाएगा। इसे वापस हम कवर कर देंगे और आपको ध्यान रखना है जो इसकी स्टीम है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए, अच्छे से इसे कवर कर देना है। 30 मिनट हो गए हैं, एक बार केक को चेक कर लेते हैं। इसमें हम चाकू डालकर देखेंगे, ये देखिए चाकू जैसा डाला था वैसा ही निकला है, मतलब इसमें केक बिल्कुल भी नहीं चिपका है। इसका मतलब केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है। केक को मैंने बाहर निकाल लिया है, इसे हम ठंडा कर लेंगे। और इसे आपको पंखे के नीचे नहीं रखना है, हम इसे एक कपड़े से ढककर रखेंगे ताकि जो इसकी ऊपर की परत है वो भी एकदम सॉफ्ट रहे। केक को पूरी तरह से ठंडा होने तक हम इसी तरह से ढककर रखेंगे। केक पूरी तरह से ठंडा हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए केक का कलर कितना अच्छा आया है और कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है,
मैं आपको पीछे से भी इसे दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल भी चिपका नहीं है, जला नहीं है। इसका जो बटर पेपर है उसे हम निकाल देंगे। ये मैंने इसका बटर पेपर निकाल दिया है और देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है ये। तो अब हम इस पर आइसिंग करेंगे। तो मैं इसे आपको काट के भी दिखाऊंगी कि अंदर से कितना जालीदार बना है। फ्रेंड्स, बहुत सी बार क्या होता है कि हमें केक एक जैसा काटने में बहुत दिक्कत होती है आइसिंग के लिए, तो उसके लिए आप क्या करें, इस तरह से चाकू से चारों साइड से बस इतना ही हल्का हल्का सा कट कर लें। ये देखिए चारों साइड मैंने थोड़ा थोड़ा सा चाकू से इसे कट कर लिया है। और इसे हम एकदम परफेक्ट काटने के लिए क्या करेंगे, ये मैंने थ्रेड लिया है। धागे को हम इस तरह से जहाँ पर हमने कट किया है उस जगह पर चारों साइड से कवर करेंगे। देखिए मैं आपको थोड़ा सा इस साइड करके दिखाती हूँ आपको, क्योंकि क्लियर नहीं दिखेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों थ्रेड है इसे हम क्रॉस में कर लेंगे और इस तरह से खींचेंगे, दोनों साइड से हम धागे को खींच लेंगे। ये देखिए इस तरह से आप धीरे धीरे से इसे खींचें और ये देखिए बिल्कुल सीधा हो गया है धागा, पूरी तरह से केक कट चुका है। ये देखिए बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट है और ये देखिए कितनी अच्छी इसमें जाली आई है, एकदम स्पंजी बनाएंगे। इसकी हम एक लेयर और काट लेंगे। एक बार फिर से मैं आपको धागे से कट करके दिखाती हूँ, बहुत ही आसान तरीका है और ये बहुत ही जल्दी से एक जैसा केक कट जाता है। ये देखिए मैंने दूसरी लेयर भी काट ली है और ये देखिए ये कितना सॉफ्ट है। अब हम इस पर आइसिंग करेंगे। ये मैंने केक की सबसे लास्ट वाली लेयर ली है और इस पर हम शुगर सिरप डालेंगे। तो ये मैंने घर पे ही बनाया है। एक कप पानी में एक चम्मच शक्कर डालनी है और उसे शक्कर मेल्ट होने तक बॉईल कर लेना है और फिर ठंडा कर लेना है। इसे हम केक पर सभी जगह डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। 3 चम्मच में मैंने ये पूरा केक कवर कर लिया है। अब केक पर हम आइसिंग लगाएंगे। आइसिंग आप कोई भी फ्लैट या नाइफ इस तरह से हो उससे आप इस तरह से फैला लें। चारों साइड से भी हम थोड़ा थोड़ा सा क्रीम से इस तरह से कवर कर लेंगे। फ्लेवर के लिए मैं इसमें पाइनएप्पल क्रश यूज़ कर रही हूँ, ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इसमें हम पाइनएप्पल की पतली सी लेयर लगाएंगे। बहुत ज़्यादा पाइनएप्पल इसमें नहीं लगाना है क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग टेस्ट रहता है, तो हम इसमें बस बिल्कुल पतली सी लेयर लगाएंगे। अब इस पर केक की दूसरी लेयर रखेंगे और इस पर भी हम शुगर सिरप डालेंगे। तो इस तरह से आपको कॉर्नर पे भी डालना है ताकि कॉर्नर भी इसके सॉफ्ट रहे। आइसिंग लगाएंगे और सेम उसी तरह से इस पर पाइनएप्पल क्रश लगाएंगे। अब इस पर हम लास्ट जो हमारी फर्स्ट टॉप वाली है स्लाइस वो रख देंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसे काटा नहीं, मैंने इसलिए इसे काटा नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी सॉफ्ट है। इस पर भी हम सेम उसी तरह से रिपीट करेंगे, शुगर सिरप डालेंगे और आइसिंग लगाएंगे। अब हम ऊपर अच्छी तरह से इसमें आइसिंग लगाएंगे, अच्छे से कवर कर लेंगे इसे। आपको ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके लिए भी मैं आपको डेकोरेशन के लिए अच्छा आइडिया दिखाऊंगी ताकि आपकी जो फिनिशिंग है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट लगे।
अगर आइसिंग की फिनिशिंग अच्छे से नहीं हुई है तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको एक तरीका दिखा रही हूँ डेकोरेशन करने का। तो इस पर हम पाइनएप्पल क्रश लगाएंगे और इसे इस तरह से फैला लेंगे। अब आपके पास कोई भी फूड कलर हो, पिंक, रेड, ग्रीन, कोई सा भी, तो वो आइसिंग में मिक्स कर लें और मेहंदी के कोन होते हैं ना उस तरीके से आप कोन बना लें और उसमें आइसिंग डाल लें और इस तरह से आप डिज़ाइन उससे बना सकते हैं। सेम इसी तरह से हम नीचे की साइड भी डिज़ाइन बना लेंगे। तो आप कुछ इस तरह से केक की डिज़ाइन से बना सकते हैं ताकि आपकी जो केक की फिनिशिंग है वो एकदम परफेक्ट लगे। अब मैं आपको इसे काट के दिखा दी हूँ कि कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है ये। कोई भी कह नहीं सकता कि ये घर का बना हुआ केक है।